कल्याणी राज, नमस्कार फ्रॉम ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। मैं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट हूँ। मैम, आज प्रोग्राम रखा गया जागरूक के लिए, महिलाओं को जागरूक किया जाए, उनका रोजगार को बात करें, अगर पर्यावरण की बात करें, कई ऐसी बातें जिन्हें उठाई गई, उन महिलाओं तक कैसा बात पहुँची जो पर्यावरण को नुकसान होता है? कुछ गांव ग्रामीण में ज़्यादा इस तरह को देखा जाए, प्लास्टिक की बात करें या उद्योग की बात करें, उसको कैसे जागरूक किया जाए? उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं हमारी ब्रांचेस के थ्रू। आज हम लोगों ने जो दिखाया था, 4-5 प्रोजेक्ट जो हमारी ब्रांचेस हैंडल कर रही हैं, एक दो बंगाल से था, श्रीनगर से था, केरला से था, गुजरात से था, तो हम लोग यहाँ पे जो भी उनके जो है, जो वो लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोग ऐसे फोरम में दिखाते हैं कि हाँ भी हमारी महिलाएँ, हमारी मेम्बर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। और इसी तरह जब हम लोग जाते हैं कोई भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में, वहाँ से जो हमें सार मिलता है वो हम हमारी महिलाओं तक पहुँचाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू चाहते हैं कि भी हम लोग किस तरह से प्लास्टिक के लिए कर सकते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग जिसको हम कहते हैं, घर बैठे जो कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग उनकी मदद करते हैं, सारी जानकारी उनको देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि भी अगर अभी हमने जैसे एक किया था कि ये जो प्लास्टिक का ही ये जो है, पुरानी प्लास्टिक से नई चीज़ें बनाने का, हैंडीक्राफ्ट का, इससे जो है काफ़ी महिलाओं को जो है वो घर बैठे बैठे बनाती हैं और पैसा कमाती हैं। ये खाद का जो हमने बताया वो भी उसी तरह घर में बैठे बैठे जो कचरा वहाँ डालती थी उससे लोग करें, इसी तरह से हम लोग महिलाओं को सक्षम कर रहे हैं। डॉक्टर मंजू काक, ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, अवश्य है ये चीज़ें की चर्चा करनी, क्योंकि आज की तारीख में अगर ये हमारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिलीज होंगी तो हर एक की जान का ख़तरा है। और ये प्रिमाइस रहा है, इसकी अंदरूनी बात ये रही है कि महिला क्योंकि वो घर गृहस्थी और पर्यावरण में ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि उसको परिवार और अपनी सोसाइटी को बढ़ाना है, उसी में उसको चाहे गाय भैंस बकरी हो, चाहे अपना चूल्हा चौका हो, और चाहे अपने बच्चों की एजुकेशन हो, उसमें उसके ऊपर जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा बैठती है। तो ये क्लाइमेट की वजह से अगर कोई हादसा होता है या नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो उसके ख़ास उसी के ऊपर कंधे पे इसकी मजबूरियां बैठती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चर्चा की कि ये जो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हो, चाहे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हों, चाहे अपने क्लाइमेट चेंज की जो मंत्रालय हैं, इनको जागरूक करने के लिए कि आज की तारीख में हमारी जैसी सिविल सोसाइटी, हमारी जैसी एनजीओ, हमारी जैसी संस्थाएं इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे सकती हैं और मजबूती से कर सकती हैं। हमारी संस्था 500 शाखाएं हैं हमारी पूरी हिंदुस्तान में, 1,00,000 हमारी संख्या है, और हमारी महिलाएं जुड़ जाएंगी और एनजीओ से जुड़ेंगी तो जो भी प्रधानमंत्री के लक्ष्य हैं, चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे सोलर पावर हो, ये हम उनके साथ जुड़ के बहुत इसको शक्तिशील शक्तिहान कर सकते हैं। मैं मेंबर इन चार्ज वुमेन सेफ्टी हूँ और पहले सेक्रेटरी जनरल थी। आज का जो प्रोग्राम है वो हमने कलेबोरेट करा हुआ था अमृता विश्व विद्यापीठ के साथ, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ और अल्टरनेटिव फ्यूचर के साथ। ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारा इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि औरतों का इसमें क्या रोल है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस फील्ड में औरतें बहुत काम करती हैं पर जब उनको फ़ायदा पहुँचाने का टाइम आ जाता है तो औरतों को उसमें से निकाल दिया जाता है, और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है क्लाइमेट चेंज के लिए उसको कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। और परेशान वही होती हैं जब इतनी दूर दूर से उनको पानी लाना पड़ता है, जब भी वो सूखा पड़ जाता है तभी परेशानी होती है, जब भी खेती नहीं चलती तो बच्चों को पालना, आदमी तो गांव छोड़ के शहरों में आ जाते हैं लेकिन मेन जिम्मेदारी जो है वो औरतों को उठानी पड़ती है। इसके लिए सरकार आगे आके काफ़ी स्कीम्स बना रही है, आज उसी के ऊपर ही हमने बात करी। ये इंटरनेशनल हमारी एक प्रोग्राम था जिसमें इंडोनेशिया से भी जुड़े और भारत के अलग अलग जगह से भी जुड़े, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, बहुत लर्निंग हुई। इसके बाद हम अपने रिकमेंडेशन सरकार को इसके बेसिस पर भेजेंगे। थैंक यू। आज के आयोजन के बारे में बताइए। आज का आयोजन जो है वो जलवायु परिवर्तन और महिला के बारे में था। कैसे लगता है कि शायद ये दोनों मुद्दे हैं जिनका कोई तालमेल नहीं है, पर जैसे आज की चर्चा ने भी बताया कि अगर हम प्राकृतिक संसाधन देखते हैं तो महिलाएं ही अधिकतर इनके साथ काम करती हैं। आप कृषि ले लीजिए, पानी ले लीजिए,
और जहाँ तक इनका असर पड़ता है वो भी महिलाओं पे ज़्यादा पड़ता है। पोल्यूशन होगी, पानी कम होगा, उनकी ज़िम्मेवारी भी ज़्यादा है ये सब चीज़ें लाने की, चारा लाने की, हर चीज़ की। और अर्बन एरियाज़ में भी अगर देखें वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जो कुकिंग करते हैं, जो खाना बनाते हैं, वो बहुत छोटे जगह में बनाते हैं, कमरे में बनाते हैं, तो उनको ज़्यादा जो है प्रदूषण अंदर जाता है उनके। तो इसे जलवायु परिवर्तन और महिला का एक्चुअली बहुत ही निकट जोड़ है, इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसी पे आज जो है वो चर्चा हुई थी कि G20 के संदर्भ में क्या हो रहा है, इसमें सिविल सोसाइटी किस तरह से काम कर सकती है, सरकार के साथ कैसे जुड़ के काम कर सकती है, इस चीज़ को कैसे प्राथमिकता दे सकती है, इसी बारे में बात की। देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम था ये क्लाइमेट चेंज पे आधारित था, और G20 में जो हमारा क्लाइमेट चेंज का एक टॉपिक है C20 का, जो आपने देखा होगा, उसके ऊपर है। और महिलाओं को किस तरीके से क्लाइमेट चेंज प्रभावित करता है उसके ऊपर आज पूरा हमारा डिस्कशन था। सबसे ज़्यादा जो परेशानियां होती हैं महिलाओं को होती हैं जब मौसम बदलता है या जलवायु बदलता है, तो महिलाओं पे सबसे ज़्यादा असर होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर पानी ख़त्म हुआ गांव में या हरियाली ख़त्म हुई गांव में, तो पुरुष जो होते हैं वो घर छोड़ के शहर चले जाएंगे, कमाने चले जाएंगे, जहां उनको सुविधा मिलेगी वहां चले जाएंगे। लेकिन महिलाएं जो हैं वो बच्चे संभालती हैं, घर संभालती हैं, पशु संभालती हैं, वो नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होता है वो महिलाओं का जीवन होता है। और महिलाओं को किस तरीके से समावेश करके देश की तरक्की में आगे चल सकते हैं, यही मोदी जी के भी आइडियाज़ हैं, और उनको आज यहाँ पर बहुत सी प्रेजेंटेशन में उसको दिखाया गया। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये जो समस्या है क्लाइमेट चेंज की, ये कोई नई नहीं है। हमारे अगर आप पुराने जो हमारे कवि और हमारे पुराने जो हमारी कथाएँ हैं वो देखेंगे, तो सब में इस चीज़ को इंगित किया गया है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको संभाल के रखिए। रहीमदास का एक बहुत पुराना दोहा है, अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। आपने भी सुना होगा, है ना, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो चून में महिलाएं आ जाती हैं, आटा नहीं गूंथता बिना पानी के। तो इसलिए जागरूक के लिए देखिए यही ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस के कार्यक्रम करें, और जो भी कूड़ा करकट जो वेस्ट होता है उसको हम सही ढंग से यूज़ करें। बायोगैस बन रहा है आजकल, एनर्जी उसी से बनाई जा रही है, उससे कूड़े से खाद बनाया जा रहा है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जा रही है। प्लास्टिक से दूर रहें, प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें, और बाकी जो हमारी दैवीय संपदाएं हैं, हवा है, पानी है, हरियाली है, प्रकृति है, उसको संजो के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और कम से कम वेस्ट करें। यही आज का हमारा मुद्दा था।